डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दर्रे के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहाड़ों के दर्रे क्या होते हैं, उसका स्वरूप क्या होता है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मानचित्र में उनकी अवस्थिति क्या होती है, बोर्ड एग्जाम में दर्रों के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। जानकारी के अभाव में सारे क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिससे आपके अंक कट जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दर्रों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे बहुत इजी तरीके से। मानचित्र में दर्रों की अवस्थिति क्या है, किस पोजीशन में कौन से दर्रे किस राज्य में हैं, उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे और उनकी अवस्थिति को समझेंगे। तो दर्रे मानचित्र में बहुत आसानी से आप सीख सकते हो, और इन दर्रों को सीखने के पश्चात जब आप मानचित्र में दर्शाओगे तो आपके अच्छे अंक, बेहतर अंक आएंगे एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए दर्रों के संदर्भ में आपको बहुत इजी तरीके से मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे, और मानचित्र के माध्यम से दर्रों की अवस्थिति को समझ जाएंगे बहुत सरल तरीके से, और उसको सीखने के पश्चात आप एग्ज़ाम में आसानी से उसको दर्शा सकते हैं। तो दर्रों के संदर्भ में हमारा आज का विषय वस्तु है। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दर्रा, पहले दर्रा समझेंगे है क्या। दर्रा जो पासेस कहते हैं या पास कहा जाता है, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है, या पासेस भी कहते हैं इनको, या कहे कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये प्राकृतिक मार्ग हैं जिनमें होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। तो इनके माध्यम से, इनके मध्य से होके दो पहाड़ियों के मध्य जो बीच का जो रास्ता होता है आवागमन का, उसी को दर्रे बोलते हैं। तो पहाड़ियों के मध्य जो दर्रे हैं, जो आवागमन का जो रास्ता है, वो दर्रे के रूप में परिभाषित किया गया है और जाना जाता है कि दर्रे इस रूप में हैं। दो पहाड़ियों के मध्य आवागमन का जो रास्ता है, वही दर्रे हैं या पासेस हैं। अब हम लोग इसकी अवस्थिति के संदर्भ में मानचित्र में समझेंगे कि कौन से दर्रे कहाँ पे हैं। तो सबसे फर्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि उत्तरी राज्य है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसका जो फर्स्ट है दर्रा काराकोरम दर्रा, मानचित्र में भरने के लिए आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 5,654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है ये दर्रा। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर का ये महत्वपूर्ण दर्रा है काराकोरम दर्रा। बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। डियर स्टूडेंट, मानचित्र के माध्यम से भी आगे आपको समझाएंगे किसकी अवस्थिति किस रूप में कहाँ पे दर्शाएंगे काराकोरम दर्रा, और इसकी स्थिति कैसी है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो आता है मानचित्र में दर्शाने के लिए कि किस जगह पे है काराकोरम दर्रा, उसको कैसे दर्शाएंगे, तो मानचित्र के माध्यम से आप आगे अभी समझाते हैं इसके सभी आपके, और जनरल रूप से समझ लें कौन सा दर्रा किस राज्य में है, फिर मानचित्र में इसकी अवस्थिति बताते हैं। सेकेंड लेवल पर है जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,528 मीटर है और कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जासवर जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। तो ये जो है जास्कर, इसके पहले भी हमने बताया था श्रेणियाँ जो हैं, तो ये भी जो है किसके श्रेणी में आता है, जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इसकी समुद्र तल से ऊँचाई 3,490 मीटर है और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है ये। तो पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। डेयर स्टैंड, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। बनिहाल दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में आता है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई 2,832 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में यह दर्रा आता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है ये दर्रा। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से बनी है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH1 है, यही है, इसी के रास्ते से होके जाता है। नेक्स्ट है बुर्जिला दर्रा, इसके समुद्र तल से ऊंचाई 4,100 मीटर है और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर का ये भी महत्वपूर्ण दर्रा है जो मानचित्र में आता है दर्शाने के लिए, और मानचित्र में जानकारी के अभाव में इन दर्रों को आप जो है मानचित्र में दर्शा नहीं पाते, जबकि इन दर्रों को दर्शाने से बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण जो है आप इन दर्रों को मानचित्र में दर्शा नहीं पाते, जिससे अच्छे अंक आपके ना होने के कारण जो है अंक कम हो जाते हैं, और इस तरह से आपके अच्छे अंक जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो नहीं कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो जैसा कि बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसके समुद्र तल से ऊंचाई 4,843 मीटर है
और जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसकी अवस्थिति किसके पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो इसको लन रखेंगे। मंडी और लेह को यह दर्रा जोड़ता है। इस तरह से यह मंडी और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है। नेक्स्ट है सिपकीला दर्रा। ये भी महत्वपूर्ण दर्रा है, बोर्ड एग्जाम में ये भी बहुत कई बार आ चुका है। सिपकीला दर्रा के संदर्भ में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति क्या है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4300 मीटर है और ये भी महत्वपूर्ण दर्रा है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसको भी लन रखेंगे कि यह दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। डियर स्टूडेंट, अगले दर्रों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे तीन प्रमुख दर्रे हैं। बोमडिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग और तिब्बत को जोड़ता है यह दर्रा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। इस तरह से बोमडिला दर्रा भी महत्वपूर्ण है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है यांगपाप दर्रा। यह दर्रा भारत और तिब्बत की तीन सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है दीपू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर है ये। तीसरे से भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं और इनकी अवस्थिति के संदर्भ में अगले मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे इन दर्रों की अवस्थिति क्या है। तो यहाँ पे जो है आपको केवल सामान्य रूप से समझना है कि कौन से दर्रे किस राज्य में हैं और इन्हीं को आपको लर्न करना है। डियर स्टूडेंट, अगला उत्तराखंड के संदर्भ में दर्रों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा जो महत्वपूर्ण दर्रा है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ के तिब्बत के तकलाकोट को जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है और इसको इस रूप में लर्न रखेंगे। लिपुलेख दर्रा किससे रिलेटेड है? मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष रूप से। इसी क्रम में माना दर्रा है जो भी, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित है। ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। तीसरा से माना दर्रा भी मानचित्र में भरने के लिए आता है। किसको दर्शाएं, माना दर्रा किस जगह पर है, तो कहाँ पर दर्शाएंगे? उत्तराखंड में। अगला है नीति दर्रा। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महाहिमालय श्रेणियों में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से उत्तराखंड के ये प्रमुख दर्रे थे जिनको मानचित्र में आपको दर्शाना होता है और ये इस तरह से दर्रों का अपना महत्व है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अगला है सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ दर्रों को ला भी कहा जाता है। नाथुला, ला मीन्स दर्रा ही होता है। तो यहाँ पे एक नाथुला दर्रा है। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। भारत चीन के संदर्भ में यह दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से सिक्किम का ये महत्वपूर्ण दर्रा है। इसी क्रम में अगला सिक्किम का जो दर्रा है, जेले पला दर्रा है। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तिस्सा नदी द्वारा किया गया है। इस तरह से भी महत्वपूर्ण दर्रा है जो सिक्किम राज्य में है। स्टूडेंट, अगला जो है मणिपुर राज्य है। तो मणिपुर में महत्वपूर्ण दर्रा है तुजू दर्रा। ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तीसरे से मणिपुर का ये भी महत्वपूर्ण दर्रा है जो मानचित्र में दर्शाने के लिए आता है और जानकारी के अभाव में आप जो है इन दर्रों को दर्शा नहीं पाते। इस तरह से आप दर्रों के संदर्भ में अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो है मानचित्र में दर्रों की अवस्थिति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है जम्मू कश्मीर, जिसमें मानचित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रेड कलर में है वो जम्मू कश्मीर में दर्शाया गया है।
काराकोरम दर्रा, बुरजिला दर्रा, पीरबंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। इन सभी जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, इसे जम्मू कश्मीर में दर्शाना है। चार जो है एक साइड में दर्शाएंगे और एक जो है एकदम राइट साइड में दर्शाएंगे कॉर्नर पे। तो इस तरह से दर्रों की अवस्थिति को मानचित्र में अभ्यास करके आप आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बुरजिला दर्रा अप में है, ऊपर है, फिर पंजाब दर्रा है उसके नीचे, और फिर उसके नीचे जोजिला दर्रा है, और उसके नीचे बनिहाल दर्रा है। तो ये जो है लेफ्ट साइड में है, काराकोरम दर्रा राइट साइड में है। इसको आप इस तरह से आप जम्मू कश्मीर में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है कि इसमें बारालाचा है, सिविका है, रोहतांग है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप जो है जो हल्का नीला है इसको आप मानचित्र में देखेंगे, जम्मू कश्मीर के जो नीचे राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसको आप जो है बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं। बारालाचा दर्रा सबसे ऊपर में है, इसके बाद राइट साइड में सिपकीला दर्रा है और लेफ्ट साइड में रोहतांग दर्रा है। तो इस तरह से मानचित्र में आपको ब्लू कलर से जो दिख रहा है बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे, और इस तरह से आप इसे बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं अभ्यास करके। और इस तर्रे से आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे थे और मानचित्र के माध्यम से आपको आसानी से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्रम में आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड आप आसानी से किस तरह से आप देख सकते हैं, हल्का ग्रीन है। उत्तराखंड में जैसे नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है और माना दर्रा है। तो तीनों एक श्रेणी में क्रम से ऐसे एक लाइन में है, और इसको आसानी से सबसे ऊपर जो है आपका है माना दर्रा है, और मिडिल में आपका नीति दर्रा है, मध्य में जो है, और उसके नीचे जो है लिपुलेख दर्रा है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से उत्तराखंड में ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनको आप क्रम से किस तरह से एक लाइन में एक श्रृंखला के तहत है, और तीनों को आसानी से आप मानचित्र में दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आपने तीन दर्रों का अध्ययन किया और बहुत ही सरल तरीके से आप इसे मानचित्र में दर्शा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पूर्वी राज्यों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो सिक्किम के अंतर्गत देखेंगे कि किस तरह से पिंक कलर में है मानचित्र में एकदम दिख रहा है, अप और डाउन में दो गोले दिख रहे हैं आपको पिंक कलर में। इसमें नाथुला दर्रा और ज़ेलेब दर्रा है, दोनों ऊपर नीचे हैं। इस तरह से नाथुला दर्रा अप में है और ज़ेलेब दर्रा जो है डाउन में है। तो सिक्किम राज्य के दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आप मानचित्र में इनकी अवस्थिति को बहुत सरल तरीके से देख रहे हैं कैसे आपको दर्शाना है और किस रूप में दर्शाना है। तो बहुत सरल तरीके से आप मानचित्र के माध्यम से आप सीख सकते हैं और इसी को एग्ज़ाम में आसानी से इसे दर्शा सकते हैं और बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सरल तरीके से आपको समझ रहे हैं, कलर भी सबका अलग अलग है और कलर के आधार पर आप इसे समझ भी सकते हैं कौन सा किस रूप में है। अलग अलग दर्रों के नाम भी हैं आपके कलर के हिसाब से और किस जगह पे उनकी क्या अवस्थिति है उसको बहुत सरल तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एकदम आपका जो है पूर्वी राज्य है और किस तरह से एकदम कॉर्नर पे सभी तीनों दर्रे एकदम कॉर्नर पे हैं, जिसके अंतर्गत आपका है बोमडेला दर्रा, यांग याप दर्रा और दीफू दर्रा। तो तीनों एक सीरियल में है, एक लाइन में है, एक श्रृंखला के बद्ध तरीके से हैं। बोमडेला दर्रा है फर्स्ट में, उसके बाद उसके आगे यांग याप दर्रा है और इसी के आगे दीफू दर्रा है। तो मानचित्र में इसको एक बार अभ्यास कर लेंगे तो जब भी एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे बहुत सरल तरीके से बहुत आसानी से इसे आप दर्शा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला आपका जो दर्रा महत्वपूर्ण दर्रा है जिसके अंतर्गत आप जो है मणिपुर का दर्रा है, जिसमें तुज दर्रा है और इसे बहुत सरल तरीके से सबसे नीचे है और इसे देख दिखाई दे रहा है मानचित्र में तुज दर्रा एकदम कॉर्नर पर पूर्वी राज्य सबसे डाउन में है, एक ही दर्रा है दर्शाना है इसको आप। तो इस तरह से मानचित्र में दर्रों का अभ्यास आप जो है एक बार कर लेंगे और इसे मानचित्र के माध्यम से उसकी अवस्थिति कौन से भारत के प्रमुख दर्रे किस रूप में है, उनकी अवस्थिति क्या है, बहुत सरल तरीके से इसे दर्शा सकते हैं। तो ये सब दर्रों के संदर्भ में एक बार अभ्यास आपको करना है और बहुत सरल है। आपको बाहर से लगता है कि दर्रों को किस रूप में दर्शाएँ कठिन होता है, तो आप आसानी से इसे दर्शा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी आपने उत्तर भारतीय दर्रों के संदर्भ में अध्ययन किया, अब हम दक्षिण भारतीय दर्रों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको भी हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में है केरल राज्य। केरल राज्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसमें है पालघाट दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊँचाई 3000 मीटर है। कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो यह दर्रा जो है कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में है यह दर्रा। इस तरह से केरल का ये भी महत्वपूर्ण दर्रा है। अगला है सेनकोट्टा। ये इलायची पहाड़ियाँ कार्डेमम या कार्दामोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई मीन्स तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। ये भी महत्वपूर्ण दर्रा है दक्षिण भारत का और इस तरह से मानचित्र में दर्शाने के लिए आता है। दक्षिण भारत के दर्रों के नाम इस तरह से आप इसे दर्शा सकते हैं। अगले क्रम में है महाराष्ट्र। नेक्स्ट दर्रा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा है जो मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है और इस तरह से इसका दूसरा जो दर्रा है भोरघाट दर्रा, ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। NH-48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाता है। किस तरह से ये दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण दर्रे थे जिसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इसे मानचित्र में आपको आसानी से सीख सकते हैं और इसे दर्शा सकते हैं। रिएशन तो महाराष्ट्र में डार्क येलो के कलर में दिख रहा है, आपको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। इसमें दो दर्रे हैं महाराष्ट्र में और एकदम एक लाइन में हैं ऊपर नीचे। तो थालघाट दर्रा है अप में है और डाउन में भोरघाट दर्रा है। दोनों को आसानी से आप दर्शा सकते हैं मानचित्र में और इसे अभ्यास करके एग्ज़ाम में आप आसानी से सरल तरीके से सीख करके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसे आसानी से दर्शा सकते हैं। अगला है इसी क्रम में दक्षिण भारत के दर्रों में केरल में है, जिसमें पालघाट दर्रा वो भी ऊपर है अप में है और सेनकोट्टा दर्रा डाउन में है। इस तरह से केरल में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनकी अवस्थिति मानचित्र में आप बहुत सरल तरीके से आप देख रहे हैं और सीख सकते हैं इसे और आसानी से इसे दर्शा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के कौन कौन से दर्रे हैं महत्वपूर्ण और इन दर्रों की क्या अवस्थिति है भारत में। दर्रे से क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में आते हैं कि कौन सा दर्रा किस रूप में है, उनकी अवस्थिति क्या है, किस राज्य में है। तो एग्ज़ाम में इसके पहले जब आप अभ्यास किए रहते हैं तो उनको आसानी से आप दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से दर्रों के संदर्भ में आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।